हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यह है सुबह का नज़ारा जहां हमारी बिल्ली ने इस सांप को पकड़ा लॉन में सुबह सुबह, उसी के वजह से हमारी नज़र पड़ पाई सांप पे। खैर, सांप को तो जैसे तैसे भगा दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। चलते हैं अंदर और आपको पता चलेगा कि आज का दिन है हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल। निको, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। फिर से चाय नहीं, वो अभी कैसी आवाज निकाल ली थी। निको चाय। थैंक यू चाचू। हैप्पी बर्थडे निको। थैंक यू मामा। कितना प्यारा थैंक यू बोल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे निको। बोलो कल रात भर प्रैक्टिस करी मैंने थैंक यू की। कल रात पूरी रात सीख रहे हैं। हैप्पी बर्थडे निको। थैंक यू नानी। हैप्पी बर्थडे मासा। हाँ मासा। ये क्या, किसने दिया? वो मेरे अंकल ने दिया। क्यों दिया? उदेश से। मेरे अंकल ने निको को दिया। थैंक यू बोला? थैंक यू बोला ही नहीं आपने। जंकल को थैंक यू बोल के आओ। तो सुबह से हम निकू को टेप रिकॉर्डर के तरह बजवाते जा रहे थे, थैंक यू बुलवाते जा रहे थे और खूब मस्ती कर रहा था वो, जंप भी कर रहा था, उसे डांट भी नहीं रहे थे हम, क्योंकि आज का बर्थडे आज इतना बनता है। सो आज का दिन है बहुत स्पेशल हमारे लिए क्योंकि आज है 30th of January और आज है निकू का बर्थडे। ही टर्न्ड 3 टुडे। 3 साल का हो गया। ऐसा लग रहा है इतनी स्पीड में क्यों बढ़ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़े। वैसे वो 12 बजे का बॉर्न था दिन में, अभी 8 बज रहे हैं। गॉड, इस टाइम पे मुझे पेन स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग में, एडमिट हो गई थी मैं हॉस्पिटल में, तो वही सब अभी याद आ रहा है, रिवाइंड हो रहा है सारा कुछ। तो अभी रखा है घर पे हवन, पंडित जी आने वाले हैं, मैं नीचे जाके प्रसाद रेडी करती हूँ, गौरव निकू को रेडी करेंगे। तो चलो मैं इसीलिए रेडी हो गया, मुझे दोबारा ऊपर आने का टाइम नहीं लगेगा, रेडी होने का टाइम नहीं लगेगा। नीचे जाके हम रेडी होते हैं, अपना पूजा की तैयारी करते हैं। और ये रीमू, ये लोग बैंगलोर से आए, निकू की चाची, और मिलवा दूँ सबको ताकि बार बार समझने में दिक्कत ना हो। ये है रीमू का भाई जो कि अभी बहुत गहरी नींद में, एक बार उठ चुका है, दोबारा सो गया है, और है साथ में बंटी यानी कि गौरव का भाई, वो कहीं बाएं दिख जाएगा, सेम शक्ल है तो सब पर पहचान जाओगे। चलो अभी भी किचन में जाती हूँ। पंडा बैठ जाओ। तो इसके बाद प्रसाद रेडी करा और फिर हम लोग बैठे हवन में। हवन स्टार्ट हुआ लेकिन निकू का तो दाएं बाएं कूदना पहले से चालू था, वो बैठ ही नहीं रहा था एक जगह, तो उसको फिर हमने जाने दिया और हम लोगों ने हवन पूरा करा। हवन के बाद थोड़ा सा घर पे अच्छा लगा, हवन की जो धुआं होता है ना उससे बहुत
अच्छा लगता है, तो एक अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी घर पे हवन के बाद से। हमारा पूजन हो गया खत्म। हाँ चल रहा है नाश्ता, पेट पूजा। क्या खा रहा निकु? पूरी। पूरी किसके साथ? पूरी किसके साथ? पूरी के साथ क्या खा रहा है? निकु के साथ। निकु के साथ खा रहा। तो इसके बाद हम सब ने अच्छे से नाश्ता करा, थोड़ा सा रेस्ट करा। गौरव तो चले गए थे तुरंत ऑफिस, और उसके बाद हमारा शुरू हुआ ये वाला काम। ये जो बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स देने थे, इसमें चॉकलेट्स थी तो वो सेलो टेप से पैक करनी थी साथ में, तो वही वाला काम था। थोड़ा सा हेक्टिक था बट ठीक है, सारे लोग हम लोग बैठे थे तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, पता ही नहीं लगा। बस इसके बाद सारे चॉकलेट्स पैक में डाले और रेडी हो गए, और वेट कर रहे थे गौरव का, क्योंकि गौरव डायरेक्ट ऑफिस से स्कूल ही आने वाले थे। तो जैसे ही गौरव वहाँ से ग्रीन सिग्नल देते कि आ जाओ मैं भी फ्री हूँ, तो उसी टाइम हमें घर से निकलना था। तो हम हो गए रेडी, हम जा रहे हैं निकू के स्कूल स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और मे भी शायद उसे वहाँ पर फिर छोड़ दूँ। 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, 11 बज गए। चल 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 निकू, हम लेट हो रहे हैं, बस अभी चलते हैं निकू के स्कूल। तो जब तक हम स्कूल पहुंचे, सारे बच्चे एक्टिविटी रूम में थे, और वहीं पर ही निकू का बर्थडे सॉन्ग वगैरह गाया, और उसके बाद निकू ने सबको अपने हाथों से स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, और लास्ट में हम लोगों ने उसका एक लिया क्लास पिक्चर साथ में सारे बच्चों के साथ। और बस उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल आए सबको बाय बाय बोल के। तो इसके बाद हम लोग गए घर और थोड़ा रेस्ट करा, फिर हमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना था मेस में जहाँ शाम में पार्टी थी, तो हम सब लोग वहाँ गए, वहाँ जाके थोड़ा सा डेकोरेशन करा। और उसके बाद हमारा ये था कि घर जाएंगे तब रेडी हो पाएंगे, वरना रेडी होके तो ये सारे काम नहीं होंगे। तो थोड़ा देर गौरव भी आए, नींद आ रही थी सबको, जैसे तैसे सबको धक्के मार के उठाया कि नहीं जाना है, करना है करना है। तो निकू तो घर पर सो रहा था, और अंकू को हमने घर पर छोड़ दिया था क्योंकि उसको कुछ अपना काम भी था, और वो निकू को देख भी लेता, बोलकर आए थे कि अगर उठेगा तो हमें फ़ोन कर देना। तो यहाँ पर जैसे तैसे हमने डेकोरेशन करा, उफ बहुत बुरी हालत थी, बिल्कुल लास्ट लास्ट में तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं करा। और यहाँ से करने के बाद हम लोग गए सीधा घर। तो हम आ गए घर, वहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोरेशन करके कैसा रहा है वो वहीं जाकर दिखाऊंगी अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा साफ करना बाकी था। और अब होते हैं हम रेडी। ये क्या है? ये पाउडर है निकू का। इतना कौन लगाता है पाउडर? ऐसे 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 करा, ऐसे ऐसे करा। बर्थडे है कहीं बच्चे का, कह रहा हूँ मैं कि मेकअप पे पीछे रहूँ। चलो तो हम लोग हो गए रेडी, घर से निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया। दोबारा से टॉप, और ये है गौरव। गौरव ने पहले मेरे को बताया नहीं मैं सूट पहन रहा हूँ, तो मुझे टक्कर। हेलो बर्थडे बॉय, वाज इट द फायर बर्निंग इन मी, ऑल ऑफ द नॉइज टर्न्ड इनटू क्वायर्स ऑफ हार्मनी। इसको कोई मतलब नहीं है, दीदी आ गया, अनाउंस हो गया। इनको थैंक यू बोलना होता है, लेके नहीं चलते।
टाइम था कि निको का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गेस्ट को बुला रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे पे कोविड था, सेकंड बर्थडे पे वर्क कहीं ड्यूटी से जाना पड़ गया। तो ये बर्थडे था जो हमने थोड़ा सा ढंग से बनाया, पूरा पूजा वूजा करके एंड ट्राई करा कि स्कूल भी चले जाएं। तो इतना ही था गाइस आज के व्लॉग में, छोटा सा निकू का बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।